फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल की एनालिसिस आपको याद होगी, मैंने आपको बताई थी, कुछ लेवल्स आपको मार्क करके दिए थे। ये आज की ओपनिंग है, मैंने कहा था पहले नीचे आ सकता है और उसके बाद इस लेवल से बाउंस बैक करेगा, लेकिन ये उससे पहले ही बाउंस बैक कर गया। तो आप देख सकते हैं ये अब एक ये और एक ये ठीक ठाक सपोर्ट सब बन चुके हैं। तो अब ऊपर नीचे की मार्किंग्स तो लगभग वही काम आएंगी और अपन एक बार देख लेते हैं कब कैसे कहाँ से क्या है EMAs वगैरह को भी। अब 200 EMA पर अभी सपोर्ट लिया हुआ है बैंक निफ्टी ने, या फिर इससे पहले चलिए अपन देख लेते हैं डेटा क्या कहता है। तो चलिए सेंसिबल पर चलते हैं। तो सेंसिबल पर अपन चलते हैं, पहले FII DII इसका डेटा देख लेते हैं। हाँ आ गया है डेटा, लेट आता है वैसे तो, लेकिन आज आ गया है। चलिए देखते हैं, डेटा तो ऑलमोस्ट सेम सा है। देखिए इसमें अभी तो कुछ ऐसा खास चेंज लग नहीं रहा। बेयर्स और बुल्स दोनों ने अपनी पोजीशंस काटी हैं, दोनों ने ही अपनी पोजीशंस को काटा है। और आप देख सकते हैं कि जैसे FIIs ने कैश में 701 करोड़ रुपए की सेल की, लेकिन DIIs ने भर भर के माल उठाया है। और आप FIIs का भी देख सकते हैं 3 दिन से ट्रेंड, इन्होंने 4000 करोड़ की सेल करा, फिर 1000 करोड़ का, फिर 700 करोड़ का, ये धीरे धीरे कम कर रहे हैं और ये लोग अपनी बाइंग पूरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है धीरे धीरे बुलिश होता जा रहा है अपना मार्केट, है ना, धीरे धीरे बुलिश की ओर बढ़ रहा है। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं अपन एक बार, ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं बियर्स भाग गए इन सारी नियर बाय स्ट्राइक प्राइसेस पे। निफ्टी का ये चार्ट है, निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस है, इस पे से सारे बियर्स एकदम से भाग गए। और आप ये देख सकते हैं कॉल में से लोग भाग गए, पुट में आ गए, पुट में आ गए इन द सेंस कि बुलिश हो गए, ठीक है। पुट में अच्छी खासी एंट्री हुई है, लगभग आप ये देख सकते हैं 4-5 गुना की एंट्री है, ये 5 गुना से ऊपर का वो है, तो आप देख सकते हैं ये। और आप PCR भी देख सकते हैं, PCR भी इंक्रीज़ हो गई है। आप ये देख सकते हैं कल की 0.7 थी या 0.9 हो गई है। एक पॉइंट से बढ़ती है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, लेकिन 0.2 से बढ़ी है, 1 के पास आने वाली है, तो ये बुलिश की ओर जा रहा है, कल ये 1 हो सकती है। तो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में भी लोग भागे हैं या फिर अपनी पुट्स में चेंजेस ज़्यादा आए हैं। आप ये देख सकते हैं पुट का चेंज 8.86 लाख एडिशन हुए हैं और कॉल में 6.54 लाख। अब कॉल में हुए हैं तो इसका मतलब बेयरिश है, ठीक है ना, और पुट में हुए हैं तो मतलब बुलिश है। तो पुट का डेटा ज़्यादा है तो मतलब बुलिश हैं इस समय लोग। यहाँ पे भी PCR को आप देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कॉल एंड पुट का डेटा। पुट में चेंजेस 85 लाख है, इसमें 14.5 लाख ही है। इसमें भी PCR 0.9 के आसपास हो चुका है, जो कि कल 0.7 था, आज 0.9 हो चुका है, और काफ़ी दिनों से ये कम ही चल रहा था। तो बुलिश हो रहा है अपना मार्केट। अब चलिए चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स भी इस समय ऊपर चल रहा है, पॉजिटिव स्टार्ट दिया है उसने और पॉजिटिव की ओर है डाउ जोन्स भी। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी पॉजिटिव चल रहा है अभी तक, और अपनी निफ्टी गिफ्ट निफ्टी भी अपन को पॉजिटिव कल के लिए जो स्टार्ट है गैप अप ओपनिंग का अंदाज़ा दे रही है। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं, पहले चलते हैं अपन निफ्टी पर, पहले चलते हैं निफ्टी पर। तो आप ये देख सकते हैं कल की मार्किंग्स अपन देख लेते हैं। यहाँ पे आज की ओपनिंग हुई, ये 9:15 कैंडल है, थोड़ा सा नीचे आया, लगभग हमारे लेवल को टच किया जो अपन ने कल के वीडियो में मार्क किया था, लगभग टच किया और बाउंस बैक किया। हमारा फर्स्ट टारगेट था उस पर थोड़ा कंसोलिडेशन किया एंड देन हमारा सेकेंड टारगेट अचीव हुआ। तो अब ये कल के लिए ये होगा कि या तो फ्लैट ओपनिंग होगी या यहाँ कहीं ओपनिंग होगी, यहाँ कहीं ओपनिंग होगी, ये देख लीजिए यहाँ कहीं पर थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा आज की ओपनिंग के आसपास, या फिर इस लेवल के आसपास से बाउंस लेगा एंड देन ऊपर की ओर जा सकता है। हमारे को ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, हमारे को ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। और कहाँ तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं हम ये देख लेते हैं। हमारे दो टारगेट्स तो बने हुए, तीसरा टारगेट हमारा बनेगा ये, थर्ड टारगेट बनेगा हमारा लगभग 20,000 का राउंड लेवल, लगभग 20,000 का राउंड लेवल। पहला टारगेट रहेगा हमारा 19,800 का राउंड लेवल, फिर 19,850 एंड देन सीधा 20,000। अगर एक बार 19,850 1960
को पार कर गया तो फिर आप 20,000 का लेवल टच करते हुए देख सकते हैं कल या परसों में, 2 दिन के अंदर अंदर आप इस लेवल्स को देख सकते हैं डेटा के हिसाब से। ठीक है, आइए चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी मार्किंग्स के हिसाब से ही चला था वो। आप देख सकते हैं ये ओपनिंग हुई लगभग जोन पे आने के बाद, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था नीचे की साइड के लिए, जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो या सपोर्ट था हमारा जिसको कह सकते हैं आप, तो उस पे से उसने एक सपोर्ट लिया एंड बाउंस बैक किया, फर्स्ट टारगेट अचीव किया, यहाँ से अपना एक और बाउंस बैक लिया, फर्स्ट टारगेट को अचीव किया, यहाँ पे अचीव किया एंड देन ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर क्लोज कर दिया, ऊपर की ओर क्लोज कर दिया। तो अब हमारी कल को मुझे जो अभी तक गिफ्ट निफ्टी और अपन डाउ जोन्स को देखते हुए जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग होगी इस लेवल के आसपास, पहले थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से रिट्रेस करेगा या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके वापस बाउंस बैक करेगा, और जैसे ही डे का हाई तोड़ेगा आपको यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और परसों तक के लिए आपको ये वाला टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब कल के लिए थोड़े से स्टॉक्स बता देते हैं। मैंने कल जैसे आपको रिलायंस का बताया था, तो रिलायंस आप देख सकते हैं कि क्या रहा आज रिलायंस में। मैंने आज यूट्यूब पे भी इसका एक दिया था कि ये वाला, मैंने यूट्यूब पे बताया था कि कैसा रहेगा। तो आप देख सकते हैं रिलायंस की ओपनिंग रही यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे आके इसने अपना फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, दो टारगेट्स को डन किया एंड लास्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके बंद हो गया। लेकिन मेरा अभी भी टारगेट ऑन है, मैंने इस पर खुद ने पोजीशन बना रखी है, खुद ने पोजीशन बना रखी है, और मैं 2580 या फिर 2570, बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट नहीं लेते जब अपन बड़े टारगेट लेते हैं, 2570 तक का लेवल पे मैं इसको वेट करूँगा, इसका टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप देख सकते हैं लास्ट में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है लेवल का, जो इतने समय से लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था, ये देखिए काफ़ी समय से नहीं तोड़ पा रहा था, 2-3-4 दिन हो गए थे, ये एक दिन आया, कितनी बढ़िया बाइंग के बाद बम से गिर गया था, फिर दोबारा बाइंग के साथ आया, फिर गिर गया, फिर दोबारा इतना कंसोलिडेशन करके 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 करके, और लास्ट में आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट किया, हाई वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट किया। तो हम इस पे भरोसा कर सकते हैं और हम इसको कल के लिए और टारगेट्स अपने 2580 या 2570 तक के टारगेट्स को हम प्लान कर सकते हैं। एक और स्टॉक मैं कल के लिए बता देता हूँ जो कि है TCS। इसमें भी मैंने आज पोजीशन बनाई, इसमें ये मेरी आज दिन की मार्किंग है कि जैसे ही ये लेवल्स पार होंगे मैं इस पर करूँगा। इसने जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट दिया अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, मैंने इस पर एंट्री ले ली, थोड़ा सा नीचे आके प्रॉफिट बुकिंग करके बंद कर गया, क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम लेकर ये ऊपर आया था। तो कल के लिए भी मेरा ऑन है ये स्टॉक। वैसे तो ये वाला जोन जो है एक तरीके का नो ट्रेडिंग जोन था, लेकिन मैंने अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल का, काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट था इस जोन में अच्छा खासा सपोर्ट था, इस वजह से मैंने इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है कल के लिए, और देखते हैं। तो कल या तो फ्लैट ओपनिंग होगी या यहाँ तक होगा। अब अगर कल यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन करता है और ब्रेकआउट करता है, तो हमें टारगेट्स बना लेते हैं। फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे, सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे, और थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे खासे 3 टारगेट्स होंगे। अगर यहाँ कहीं ओपनिंग रहेगी अपनी तो लगभग 2% के टारगेट है, 1.5% का काफ़ी रहता है इंट्राडे में, तो हमारा उससे ज़्यादा ही टारगेट हमारे को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ, डेली ट्रेड्स डालता रहता हूँ, जिसमें कि मैं खुद के भी ट्रेड्स डालता हूँ, लाइव ट्रेड्स भी डालता हूँ, और लेवल्स भी देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देता हूँ, नए नए स्टॉक्स बताता हूँ, कभी कभी इंफॉर्मेटिव कुछ चीज़ें कि आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें भी मैं उस पर डालता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।